नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अपना बगीचा दिखाऊंगा। अगर आपके पास भी थोड़ा सा भी जगह है तो आप ऐसा बगीचा लगा सकते हैं और अपने घर का ताज़ा फल खा सकते हैं। देखिए, मैंने आम लगाया हुआ है, देखिए यह फरा हुआ है, ठीक। ये देखिए, मैंने अपने खेत में इसे लगाया हुआ है। देखिए, यह बहुत मीठा आम होता है, बड़ा आम होता है। यह भी देखिए एक आम है। यह देखिए लीची का पौधा लगा हुआ है, लेकिन अब की बार यह फरा नहीं, थोड़ा सा फरा हुआ था तो वो ख़त्म हो गया है। यह भी देखिए आम का पौधा है। यह भी देखिए यह सब आम फरे हुए हैं। देखिए, यह देखिए नींबू का भी पौधा लगाया हुआ है मैंने। देखिए, यह देखिए नींबू भी फरा हुआ है, बहुत ज़्यादा यह फरता है। देखिए, यह बहुत ज़्यादा फरता है, ठीक। इसका यही पौधा है। देखिए, यहाँ पर मैंने इसका कलम भी किया था, तो देखिए कई पेड़ मैंने कलम किया था, कई इसका होता है डंठी। जैसे आपको कलम करना है, इसे यहाँ पर आप थोड़ा सा छील देंगे और उसके बाद उसमें गोबर और माटी, गाय का गोबर और मिट्टी मिलाकर उसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर सान कर उसे आप यहाँ पर छोप कर उसके ऊपर कपड़ा बांध देंगे और यहाँ पर आपको पानी देना है। यह आप जुलाई में कर सकते हैं, बरसात के समय में तो बहुत आसानी से कलम हो जाएगा। आप इसे जहाँ चाहे तहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए, मैंने कई कलम किया था तो कई ठो मैंने लगाया भी है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक। अभी मैं चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ। ये अभी देखिए नींबू फरा हुआ है। ये देखिए, मैंने मौसम्बी भी लगाया हुआ है, यह अब की बार फरा नहीं, ठीक। यह देखिए नींबू। अगर आपके पास भी थोड़ा सा भी जगह है तो आप लगा सकते हैं, नींबू हुआ, आम हुआ। ये देखिए, अभी ये छोटा छोटा है लेकिन इसमें रस बहुत ज़्यादा होता है। जो लगाया हूँ खेत में कलम करके वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा बड़ा हुआ है। चलिए, तो देखिए यह बगीचा मैंने लगाया हुआ है, एक नया बगीचा। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा घास हो गया है तो इसे मैं साफ़ करूँगा। यह देखिए, मैंने कागजी भी नींबू ले आकर लगाया हुआ है, लेकिन यह यहाँ पर इतना विकास नहीं करता है। देखिए, यह कागजी नींबू लगा हुआ है लेकिन कागजी यहाँ पर नहीं काम करेगा जितना यहाँ पर हमारा देसी नींबू ही काम करेगा। देखिए, यह भी कागजी नींबू लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर मैंने देखिए केले का भी पौधा लगाया हुआ है। देखिए, यह हरी छाल का केला होता है लेकिन यहाँ पर आते हैं जानवर, वह देखिए इसके पत्ते को खा जाते हैं। तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ कितना मैं पूरा नींबू ही लगा दूँ। देखिए, इतना बड़ा मेरा है, क्योंकि अगर लगा रहेगा तो कुछ इसमें आता रहेगा। एक मान लीजिए ज़्यादा फरने लगा तो मैं यहीं से इसे बेच भी दूंगा, व्यापारी आएंगे यहीं से ले जाएंगे, खेत से ही मैं बेच दूंगा तो मेरा एक साइड बिजनेस हो जाएगा। देखिए, यह भी कागजी नींबू है।
देखिए, यह जो मैंने कलम करके लगाया था वह नींबू का पेड़ है। देखिए छोटा छोटा ही पेड़ है, अभी यह एक साल का हुआ है, लेकिन देखिए इसमें भी फर आने लगा। देखिए यह छोटा पेड़ है, देखिए यह मैंने उसी जुलाई में लगाया था, और यह देखिए साल भर का पौधा हो गया। देखिए इसमें भी फर है, और कितना बढ़िया यह पेड़ हो रहा है, पौधा हो रहा है एकदम गोल में, यह ज़्यादा फरेगा। देखिए वहाँ भी मैंने लगाया हुआ है, देखिए इसमें भी फर आने लगा। तो यह एक बढ़िया बिजनेस है, अगर आप कागजी लगाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वह हर जगह पर नहीं होता है। लेकिन अगर आप देसी नींबू लगाएंगे कलम करके अपने घर पर ही, आपके पास अगर पौधा है नहीं है, आपके किसी रिश्तेदार के वहाँ है, किसी दोस्त के वहाँ है, तो आप वहाँ से कलम करके ला सकते हैं। आप दो चार पेड़ लाइएगा पौधा, उसके बाद आप वहाँ से दो चार पौधे से आप कितना सारा पौधा उसमें बना सकते हैं कलम करके। देखिए यहाँ भी लगा हुआ है। ठीक, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। यहाँ भी देखिए, तो मैं यह सोच रहा हूँ यह सब मैं खेत में लगा दूंगा, जिससे मेरा एक साइड बिजनेस हो जाएगा। ठीक, अभी यह देखिए छोटे छोटे पौधे हैं, जब यह बड़े हो जाएंगे साल दो साल में और, तो यह पूरा भरपूर मात्रा में फरेंगे। ठीक, तो मैं इसे कलम करके ही लगाया हूँ। मेरे पास एक ही पौधा था, उसी पौधे से मैंने कलम, ये देखिए मेरा इतना बड़ा एक पौधा हो गया है। देखिए एक केले का पौधा इतना बड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ पर जानवर जो होते हैं वो थोड़ा नुकसान कर दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं नींबू का ही यहाँ पर खेती लगाऊंगा। थोड़ा लगाया हूँ मैं, और भी इसमें लगाऊंगा मैं, आपको वह भी वीडियो दिखाता रहूँगा, कितना इससे प्रॉफिट हो रहा है वो सब मैं आपको दिखाता रहूँगा। ठीक, तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं एक साइड, अगर आपके पास खेत है, थोड़ा सा भी खेत है, तो आप नींबू का खेती कर सकते हैं। नींबू में फ़ायदा है, इसमें कोई बीमारी भी नहीं आता है, और इसमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जगह भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। आप थोड़े से मात्रा में करें, अपने यूज के लिए करें, आप उसे सेल भी कर सकते हैं। अगर आप 50 से 100 पेड़ भी लगा देंगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलता रहेगा। चलिए, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।